हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एडवर्ब का टॉपिक रिवाइज करेंगे। सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन रीड करेंगे। ए वर्ड दैट मॉडिफाइज द मीनिंग ऑफ ए वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब इज कॉल्ड एन एडवर्ब। एडवर्ब वे शब्द होते हैं जो वर्ब को, एडजेक्टिव को या किसी दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करके बताते हैं। जैसे एग्जांपल हैं हार्डली, ऑलरेडी, क्लियरली एट्सेट्रा। एग्जांपल फर्स्ट, सैम रन्स क्विकली। सैम दौड़ता है, लेकिन कैसा दौड़ता है? तेजी से। तो क्विकली क्या हो गया हमारा एडवर्ब। दिस इज़ अ वेरी स्वीट मैंगो। मैंगो स्वीट है, लेकिन कितना स्वीट है? बहुत स्वीट है। तो वेरी हमारा क्या हो गया इसमें एडवर्ब। जैक रीड्स क्वाइट क्लियरली। अब हम इसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, एडवर्ब के टाइप्स के बारे में। फर्स्ट हैं एडवर्ब ऑफ टाइम। सेकंड है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। थर्ड है एडवर्ब ऑफ प्लेस। फोर्थ है एडवर्ब ऑफ मैनर। फिफ्थ है एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी। सिक्स्थ है एडवर्ब ऑफ एफिर्मेशन एंड नेगेशन। सेवन्थ है एडवर्ब ऑफ रीज़न। इसके सेवन टाइप्स होते हैं। दोबारा रिवाइज कर लेते हैं हम एक बार। फर्स्ट क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम। सेकंड है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। थर्ड है एडवर्ब ऑफ प्लेस। फोर्थ है एडवर्ब ऑफ मैनर। फिफ्थ है एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी। सिक्स्थ है एडवर्ब ऑफ एफिर्मेशन एंड नेगेशन। सेवन्थ है एडवर्ब ऑफ रीज़न। अब हम एक एक करके इनको ब्रीफली पढ़ेंगे। सबसे पहले हम करेंगे एडवर्ब ऑफ टाइम। ये एडवर्ब के टाइम को शो करता है कि कब का जो एडवर्ब है हमारा, कितने टाइम पे हुआ है काम या कितने टाइम पे नहीं हुआ। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है आई हैव स्पोकन टू हिम ऑलरेडी। मैं उसे पहले ही बोल चुका हूँ। पहले ही टाइम बता दिया, पहले ही। तो ऑलरेडी क्या है हमारा? एडवर्ब ऑफ टाइम। सेकंड एग्जांपल है आई हर्ट माय नी यस्टरडे। मैंने अपने गोडे को कल चोट मारी। तो टाइमिंग बता दी कल की। तो यस्टरडे क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम। थर्ड एग्जांपल है ही कम्स हियर डेली। वह हर रोज़ यहाँ आता है। टाइमिंग बता दी कि हर रोज़ आता है। डेली क्या है हमारा इसमें? एडवर्ब ऑफ टाइम। नेक्स्ट है आई हैव हियर्ड दिस बिफोर। मैं इसे पहले भी सुन चुका हूँ, पहले ही। इसमें टाइम क्या है? बिफोर। बिफोर क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम क्या है? इट शोज़ द टाइम ऑफ एन एडवर्ब। यह किसी एडवर्ब के समय को बताता है और हमने एग्जांपल के थ्रू इसे समझा भी है। नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि ये कोई काम हुआ है तो कितनी बार हुआ है। इट शोज़ हाउ ऑफन इट वर्क्स। जैसे एग्जांपल है आई हैव टोल्ड यू ट्वाइस। मैं तुम्हें दो बार बता चुका हूँ। कितनी बार बताया है उसने? दो बार। तो ट्वाइस क्या हो गया? फ्रीक्वेंसी। आई हैव नॉट सीन हिम वंस। मैं इसे पहली बार नहीं देखा है। मैंने इसे पहली बार नहीं देखा है। तो वंस क्या हो गया इसमें? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ही ऑफन मेक मिस्टेक। ये सारे जो एग्जांपल्स हैं वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के हैं। सैम कॉल्ड अगेन। सैम ने उसे दोबारा बुलाया। ही फ्रीक्वेंटली कम्स लेट।
ये सभी एग्जांपल्स एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के हैं और एग्जांपल के थ्रू ही हम इसे अच्छे से समझ सकते हैं। नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ प्लेस। इट शोज द प्लेस ऑफ एन एडवर्ब। ये किसी एडवर्ब के स्थान के बारे में हमें बताते हैं। एग्जांपल फर्स्ट है स्टैंड हेयर, यहाँ खड़े हो जाओ। कहाँ खड़ा होना है? यहाँ। तो हेयर क्या हो गया यहाँ पर? एडवर्ब ऑफ प्लेस। सेकंड है गो देयर, वहाँ जाओ। कहाँ जाने की बात हो रही है? वहाँ। तो देयर क्या हो गया इसमें? एडवर्ब ऑफ प्लेस। नेक्स्ट है वॉक बैकवर्ड, पीछे जाओ। कहाँ जाने की बात हो रही है? बैकवर्ड। तो बैकवर्ड क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ प्लेस। फोर्थ है ही वेंट अवे, वह दूर गया। कहाँ गया? दूर। तो अवे क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस हमें क्या बताता है? किसी एडवर्ब के स्थान के बारे में बताता है। जैसे स्टैंड हेयर, यहाँ खड़े हो जाओ। पोजीशन बता रहा है, स्थान बता रहा है कि कहाँ है। तो ये सारे एग्जांपल्स एडवर्ब ऑफ प्लेस के बारे में हैं। और ऐसे ही फ्रीक्वेंसी में क्या होता है कि कोई काम कितनी बार हुआ है ये शो करता है। जैसे आई हैव टोल्ड यू ट्वाइस, मैं पहले ही दो बार बता चुका हूँ। तो कितनी बार काम हुआ है? दो बार। तो ट्वाइस क्या है इसमें? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ऐसे ही एडवर्ब ऑफ टाइम में क्या होता है कि टाइम जो एडवर्ब है, काम है, वो कब हुआ है टाइम बताता है। आई हैव स्पोकन टू हिम ऑलरेडी, मैं उसे पहले भी बता चुका हूँ, पहले भी। तो ये क्या हो गया? ऑलरेडी। इसमें एडवर्ब ऑफ टाइम है। नेक्स्ट पार्ट हम इसके कल करेंगे। हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट फॉर योर टेस्ट, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।